हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वेल्थ स्टडी। देखो बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स, जो कि आपके सेशन 2020 एंड 21 के लिए है। ठीक है, जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है मैथ की पढ़ाई अपने घर पर, उन्होंने जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलो, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे साथ चलना। ठीक है, देखो, अगर आपको मैथ को समझना है, अगर आपको इस क्लास ट्वेल्थ के मैथ को समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर, इस मैथ में एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, स्टार्ट कैसे किया जाए, है ना, और क्या चीज़ें पढ़नी है, कितने नंबर, कितने मार्क्स जो हैं पर्टिकुलर, कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, देखो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आपको अपना सिलेबस नहीं पता होगा, आपको जो मार्क्स हैं उनके जो वेटेज नहीं पता होंगे कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, जब तक ये नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे फोकस करोगे, है ना। बेसिकली ये बोला जाता है ना कि हाँ, सिलेबस हमें देख करके पढ़ाई करनी है। तो ये चीज आप अपनी कॉपी के एकदम फ्रंट पेज पर लिखोगे, जिस तरीके से आपने फिजिक्स वाले में आपने जिस तरीके से लिखा है, है ना। बेसिकली फिजिक्स का भी जो वीडियो वो भी स्टार्ट हो गया, आप अगर नए हो तो आप जाकर के मेरी फिजिक्स की वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये चीज आप अपने एकदम फ्रंट पेज पर रखोगे। देखो, अगर हम बात करें अपने क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक की, है ना, तो बेसिकली इसमें हमें कुल जो है हमें टोटल 6 यूनिट पढ़नी है। ध्यान समझना, टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है, टोटल 6 यूनिट पढ़नी है। ओके, अब इस 6 यूनिट में टोटल जो है वो आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर यूनिट में जो पर्टिकुलर यूनिट है वो कितने मार्क्स का है, या एक यूनिट में हमें कितने कितने चैप्टर देखने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी के एकदम फ्रंट पेज पर लिखोगे। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, देखो बेसिकली हमें टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं, टोटल 6 यूनिट पढ़ने हैं, और उन 6 यूनिट को मिला करके हमारे पास टोटल 12 चैप्टर होंगे, जो कि आपके 80 मार्क्स का जो कि आपका टोटल बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा यूनिट और किस यूनिट में हमें कितने चैप्टर और पर्टिकुलर कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर लिखोगे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, ओके, यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो यूनिट फर्स्ट में बेसिकली हमें एक इस जो यूनिट का नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। और इस यूनिट में हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, दो चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेम वही नाम है जिसको हम कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसा कि आप रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में पढ़े हो, बेसिकली उसी से कुछ रिलेटेड है, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमें जरूरत पड़ेंगी इनको समझने के लिए, इस फर्स्ट चैप्टर को समझने के लिए। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का आपने पढ़ा था, है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो अब हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इसी से रिलेटेड होगा, है ना। बेसिकली हमें सारे जो फॉर्मूले होंगे वो हमें पिछले वाले चैप्टर के, पिछले क्लास के सारे फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमें इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के जो हमें टोटल पढ़ना है, और ये जो मार्क्स आएगा इन दोनों को मिलाकर के, वो आपका आएगा 8 मार्क्स का। ध्यान रखना, 8 मार्क्स का, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ये, केवल मतलब दो चैप्टर मिलाकर के केवल 8 मार्क्स के आपके जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो यूनिट है, यहां से बात ध्यान समझना आप, हमारे पास जो दूसरी यूनिट है, यूनिट नंबर हमारे पास जो 2 है, ठीक है, तो इस यूनिट में बेसिकली हमें पढ़ना है अलजेब्रा। क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। बहुत आसान है। ठीक है, अलजेब्रा में हमें बेसिकली फिर से दो चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। देखो चैप्टर 3 में जो चैप्टर 3 है उसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, है ना, बहुत ही आसान सी ये चीज है, हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। और एक हमें और टॉपिक पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स। क्या पढ़ना है? डिटरमिनेंट्स। ओके, ये सब सारी चीजें आप नोट करते चलो। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा यूनिट नंबर जो सेकेंड है, इसमें जो आपको दो जो चैप्टर पढ़ने हैं, इन दोनों चैप्टर को मिला करके बेसिकली आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला करके आपका जो मार्क्स आएगा वो टोटल 10 मार्क्स। ओके, बहुत ही आसान सा ये आपका, ये जो दो चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, है ना, वही मल्टीप्लीकेशन, एड, सब्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा चीजें, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे और लिख लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर 80 मार्क का तो नहीं आता, प्लस 20 मार्क्स और अभी ऐड कर लो, ये 20 मार्क्स क्यों, अभी हम ये समझेंगे फिलहाल। तो हमने कहा सर ये हमारे दो यूनिट क्लियर हैं। देखो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की,
यूनिट नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में बेसिकली एक जो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी, जिसको हम कहते हैं नाम से जानते हैं कैलकुलस, आप भी सुने होंगे, ठीक है, कैलकुलस, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये यूनिट है। और इसमें आपको बेसिकली चार चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? फोर चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा? फिफ्थ पढ़ना है, सिक्स पढ़ना है, सेवेंथ पढ़ना है एंड एट पढ़ना है, ठीक है। देखो फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ का जो नाम है ये आप जान रहे हो, आप क्लास इलेवंथ में पढ़े हो, है ना, जो बच्चे अगर मेरे से पढ़े होंगे वो जानते होंगे बहुत अच्छे से, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। क्या पढ़ना है? डिफ्रेंशिएबिलिटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी, ओके, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी हमें पढ़ना है, ओके। सिक्स जो हमारे पास जो चैप्टर होगा, जो सिक्स चैप्टर होगा उसमें हमें देखो क्या पढ़ना है। अब हमें देखो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब वो वही डिफरेंशिएशन वाला हमें काम यहाँ पर करना है, ठीक है ना। अब आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया तो सिक्स चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? अब डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे यानी कि डिफरेंशियल के बेस पे और हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को देखेंगे, मतलब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वही जो आपने पढ़ा था क्लास इलेवेंथ में। कोई बात नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर सेवन, हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे इंटीग्रल्स, है ना, जिसको आप कहते थे इंटीग्रेशन। आपने क्लास इलेवेंथ में कई बार सुना होगा अपने टीचर से कि हाँ हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन, तो ये वही वाला पोर्शन है ना, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो चैप्टर नंबर जो एट है, अब आपने इंटीग्रल्स पढ़ लिया, आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया, अब इंटीग्रेशन के बेस पे आप क्या करोगे? अब आप पढ़ोगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ोगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, ये बात इतनी क्लियर है, ओके। अब ये जो आपका जो टोटल मार्क्स का आएगा ना, गेस करो कितने मार्क्स का आ सकता है? ये टोटल आता है आपके 35 मार्क्स का आता है, जो कि आपके पूरे मैथ्स बुक का सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो कवर करता है, 35 मार्क्स। और बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इसको आसानी से हम लोग समझेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको नहीं पता है कैलकुलस का, आपको अगर एबीसीडी भी नहीं पता है, तो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर फोर की। देखो यूनिट फोर, तो यूनिट फोर जो है वो बेसिकली जो यूनिट फोर का जो नाम है यूनिट फोर, ओके, यूनिट फोर में देखो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है? वेक्टर्स, कई बच्चे समझ रहे होंगे, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इसके अंडर भी हमें दो चैप्टर हमें पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर हमें पढ़ना है एट, सॉरी चैप्टर नंबर नाइन, चैप्टर नंबर नाइन में पढ़ना है वेक्टर्स के बारे में, सेम वही चीज है, वेक्टर, ये वही वाला वेक्टर है ना, जो कि आप क्लास इलेवेंथ में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिजिक्स में आपका ये छोटा सा पोर्शन आया था फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर के आसपास जो आया था, है ना, उसके बाद क्लास इलेवेंथ की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो नाइन चैप्टर होगा इस मैथमेटिक्स का, वो हमारा होगा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि आपकी वही है, है ना, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ओके, दिख रहा है, ओके, दिख रहा होगा, है ना। देखो अगर हम बात करें अपने, अच्छा अगर हम इसकी बात कर लें कि सर ये टोटल जो है यूनिट वो कितने मार्क्स का आएगा, तो ये भी अच्छा खासा जो है वो आपका मार्क्स जो है वो कवर करता है, और ये आते हैं टोटल आपके 14 मार्क्स के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब, आप बातें पहले जानो, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा फिर कैसे इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, कैसे पता चलेगा कि सर कौन कितने ज्यादा इंटरेस्ट से पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो सभी चीजों को इंटरेस्ट चाहिए, है ना। फिलहाल अगर हम बात करें अपने यूनिट नंबर फिफ्थ की, यूनिट फिफ्थ, देखो तो यूनिट फिफ्थ में बेसिकली हमें एक चैप्टर पढ़ना है, है ना, चैप्टर नंबर 11, और उस चैप्टर नंबर 11 का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेसिकली, ये थ्योरेटिकल मतलब लॉजिक बेस पर होता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना है, इसमें केवल एक ही यूनिट फाइव में आपके केवल एक ही चैप्टर है, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, और ये जो आपका बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं आता है, ये आपका आता है केवल 5 मार्क्स का,
है ना, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछता है, एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट काफी बड़ा बड़ा, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी बड़ा सा स्टेटमेंट रहेगा, और एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आपका आएगा 5 मार्क्स का, या फिर शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे देते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे तोड़ तोड़ कर। फिलहाल तो ये एक बड़ा साइज में मोस्टली हमेशा क्या आता है, हमेशा एक बड़ा साइज से एक हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक ना, 5 मार्क्स का। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6 की, यूनिट नंबर लास्ट, चूंकि हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6 है, तो हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में। चैप्टर नंबर 1 12 आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप क्लास 11th में थोड़ी बहुत तो प्रोबेबिलिटी पढ़े होगी, है ना। तो ये बेसिकली जो आते हैं ये टोटल आपके आते हैं 8 मार्क्स के। क्लियर है इतनी चीज़ें क्लियर है। अब अगर आप इनको सबको ऐड कर दो, 8 है ना, 10, 35, 14, 5 और 8, आप इसको अगर ऐड कर दोगे तो ये आपका जो है टोटल आ जाएगा 80 मार्क्स, ठीक है, ये आपका टोटल कितना आ गया, 80 मार्क्स आ गया। अब अगर हम बात करें 20 मार्क्स, सर ये 20 मार्क्स कहाँ से आएगा, तो आपका एक इंटरनल जो ये जो 20 मार्क्स हैं है ना, ये आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। इंटरनल असेसमेंट इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये बच्चे जैसे 20 मार्क्स है ना, तो 20 मार्क्स में से आपके जो 10 मार्क्स होंगे वो आपके टेस्ट, जो आपके स्कूल में जो भी आपका जो टेस्ट होता था, फिलहाल अभी तो सारे स्कूल बंद है बट ओपन होगा, है ना, टेंशन ना लो, ओपन होगा, और जिस दिन ओपन हुआ ना उस दिन आप सबकी हालत खराब होगी क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो 10 मार्क्स जो है वो टेस्ट के आपके मिलते हैं, है ना, बेसिकली 3 टेस्ट होता है और 3 में से जो जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट 2 मार्क्स को देख करके आपको ये मार्क्स दिया जाता है। और ये जो 10 मार्क्स है ये बेसिकली जो अदर एक्टिविटी होती है मैथ में, आप अभी मैथ में कई एक्टिविटी देखेंगे, है ना, बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक्टिविटी बेस्ड पर हमें जो है वो 10 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये है ना, बेसिकली हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का बेसिकली आना है, तो आपको ये इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, ये आप अपनी कॉपी के एकदम फर्स्ट पेज पर नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, ये आपको सिलेबस मिल जाएगा कि बेसिकली हमें अलजेब्रा में क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लेना, है ना, इतनी बड़ी सारी चीजें नहीं लिख सकते। तो फिलहाल ये एक बेसिक सा जो भी है आपका एक समरी है जल्दी से कि हमें क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चे की, देखो अब हम सर स्टार्टिंग कैसे करें, इतनी बातें समझ में आपको आ गई है ना, 2 बुक्स हैं, 2 बुक्स में टोटल आपके 6 यूनिट है और 6 यूनिट टोटल मिलाकर के आपके 12 चैप्टर्स, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, 100 मार्क्स का हमने ये देख लिया। अब सर बात करें अगर हम सर की स्टार्ट सर कैसे किया जाए, क्या तरीका है सर मैथ्स को स्टार्ट करने का, मैथ्स को पढ़ने का सर क्या तरीका है। देखो मैं आपसे एक बात हमेशा बोलूंगा, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, वो चाहे किसी भी क्लास की हो, वो चाहे आप 10th की बात करो या आप जब 10th में थे जो भी हो, है ना, या फिर चलो हम 11th की बात कर लें, आपने 11th क्लास में मैथ को कैसे पढ़ा या फिर किसी अदर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा, आपको पता है अच्छे से, हमें बताने की जरूरत नहीं है, और उसके बेसिस पे आपके जो भी मार्क्स हैं वो भी आपको अच्छे से पता होंगे। तो देखो एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है प्रैक्टिस, ठीक है, याद रखना प्रैक्टिस, है ना, जब तक आप मैथ्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक उसको 2 से 3 बार जब तक लगाओगे नहीं, है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन को मेरे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, समझ में तो आ गया है, ऐसा होता है कई बार, ऐसा बच्चे कहते हैं कि सर समझ में तो आ गया है लेकिन सर जब जाते हैं एग्जाम देने सर सारी चीजें भूल जाते हैं, ये इसका एक ही रीजन है कि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, मैथ्स के आपके जो भी क्वेश्चन है ना आपने उनका प्रैक्टिस नहीं किया है। तो याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहली जो बात आती है वो होती है प्रैक्टिस की, है ना, आप देख चुके हो, आपने रिजल्ट को कंपेयर कर लो कि आपने 11th में कैसे आपने पढ़ाया है और उस बेसिस पे आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, फिलहाल तो ये बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो होता है फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे फॉर्मूले आएंगे, है ना, दूसरा जो इस आपकी अगर हम बात करें क्लास 12th के मैथमेटिक्स की, उसमें फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको अब क्या करना है, अभी से अब अपने माइंड का जो मेकअप है वो कुछ ऐसा बनाओगे कि आप फॉर्मूले को याद रखने की कोशिश करोगे, है ना, उसके लिए क्या करना है कि आपको एक अलग से टेक्स्ट बुक बनाना है, कॉपी बना लो कह रहे हैं, टेक्स्ट कॉपी कह ले, है ना, तो हमें क्या करना है, हमें एक अलग से टेक्स्ट कॉपी बनाना है ना, जिसमें हमारे क्या होंगे केवल और केवल फॉर्मूले होंगे, ठीक है, फॉर्मूले होंगे। अच्छा
देखो अब रही बात अगर सिलेबस की, तो सिलेबस बहुत ही जल्दी खत्म होगा है ना। रेगुलर वीडियोस आएंगे फिजिक्स के, मैथ्स के, तो सिलेबस का आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको जो है वो फोकस करना है कि किस तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, है ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं आज से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, तो इसका बेसिकली कोई टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब क्या बोला जाए इसके बारे में। होते हैं बच्चे कुछ ऐसा सोचते हैं कि अभी अभी तो ये मेरा त्यौहार चल रहा है, अभी ये प्रॉब्लम है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अब आज से अभी से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है। और टाइम देख रहे हो बहुत जल्दी ये जो है वो ख़त्म होने वाला है। जिस दिन लॉकडाउन हटा तो फिर उस दिन आपकी जो है वो शामत आनी है, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। तो फिलहाल इतनी बातों के साथ इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। और ये जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर लिख लेना, है ना। और हम लोग सिंसियरली पढ़ाई करेंगे, सिंसियरली करेंगे, सीरियसली नहीं करेंगे। सीरियसली नहीं पढ़ाई करते, सिंसियरली पढ़ाई करते हैं। सिंसियरली और सीरियसली का मतलब चलो कभी बताएंगे आपको बाद में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि आज से करना है स्टार्ट, कल से करना है स्टार्ट, ये मेरा त्यौहार खत्म हो जाएगा तब से स्टार्ट करेंगे, इस दिन से करेंगे, सोमवार से करेंगे, मंगलवार से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अभी से करो, आज से करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो भी हम देखेंगे कौन सा हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। बट सबसे पहले आप एक काम करना, हाँ एक काम करना, आप क्लास एलेवेंथ की जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, आप उसके फॉर्मूले याद करोगे। आज बैठ करके आप उसके फॉर्मूले याद करोगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप लास्ट तक आ गए हो, तो आप फॉर्मूले याद करोगे, ठीक है। फिलहाल रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने चैप्टर के साथ। देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, ओके। चलो मिलते हैं बच्चे।